Welcome students of class 10th. We are going to cover the last chapter of unit 5, which is the end of your syllabus also for 10th class, which is office appliances. Ya samay ki bachat karne wale yantr, ya sanchar mein madad karne wale yantr, jo ek dusre se communicate karte waqt jo aap equipments use karte hain, usko hum log aaj office appliances ke taur pe padhne aur samajhne ki koshish karenge. Jo aap log apni book mein dekhenge to usme telegram, टेलीफोन, एसटीडी और इनलैंड लेटर, पोस्टकार्ड, ये सब लिखा है. ये बहुत ही बेसिक मेथड्स हैं जिनमें से ज्यादातर का इस्तेमाल या तो बंद हो चुका है या फिर ये बिल्कुल इस्तेमाल में अब नहीं लाए जाते. और अब ये सब का सब जो है एक मॉडर्न ऑफिस अप्लायंसेस के थ्रू किया जाता है, चाहे वो सरकारी ऑफिसेस हों, चाहे वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एनजीओस जो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हों, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज हों, छोटे बिजनेसेस हों, मल्टीनेशनल्स हों, ये सब लोग अब मॉडर्न बिजनेस अप्लायंसेस को इस्तेमाल करते हैं, मॉडर्न बिजनेस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं. तो ज्यादातर हम लोग देखेंगे तो ये टेक्नोलॉजी ज्यादा आपकी लाइफ को कवर कर रही है. व्हेन इट कम्स टू अ नॉर्मल कंज्यूमर, टू अ स्मॉल बिजनेसमैन, टू अ SME entrepreneur, to a multinational organization, starting from the governments to various other government institutions, semi-government institutions, public-private partnerships or charitable organizations. Technology का इस्तेमाल बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है. अगर आप लोग अपने आप को और मुझे भी आज देखेंगे तो मैं अपना जो ऑफिस है वो घर से चला रहा हूँ, मैं टीचिंग घर से कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल अपने कंप्यूटर में कर रहा हूँ, एक ही जगह पर मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, पोर्ट्रे भी कर रहा हूँ, उसको एडिट भी कर रहा हूँ और उसको आपके यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूँ. और आप अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने फोन में जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो आपके कंप्यूटर में टेक्नोलॉजीज हैं, उसका इस्तेमाल करके यूट्यूब पे जा रहे हैं, यूट्यूब से आप उस लेक्चर को डाउनलोड कर रहे हैं या लाइव स्ट्रीम करके उसको देख रहे हैं. बहुत सारी चीजें हैं जो टेक्नोलॉजी के अंडर कवर्ड है. इसके पीछे भी एक कहानी है कि ये YouTube पे कैसे जाता है, YouTube से आप कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे हम लोग Zoom कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर बात करते हैं. Zoom एक एप्लीकेशन या एक पोर्टल है जो बहुत सिंपल सा आपकी आंखों के सामने दिखाई पड़ता है, बट क्या इसके पीछे की कहानी इतनी सिंपल है? नहीं. तो ये सारी चीजें आज हम बहुत फंडामेंटल तौर पर समझने की कोशिश करेंगे. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नहीं जाएंगे, बट वी विल सी व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व्हेन अ बिजनेस ऑफिस इज बीइंग रन. जब एक बिजनेस ऑफिस काम करता है तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह से होता है, वो कौन से अप्लायंसेस हैं जो आपके ऑफिसेस के अंदर रिक्वायर्ड है फॉर डिफरेंट पर्पसेस, तो आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले, व्हाट आर द ऑफिस मशीन्स? सो मॉडर्न ऑफिसेस रिक्वायर मेनी मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ असाइंड वर्क. बहुत सारी मशीनों की, टेक्नोलॉजी की, इक्विपमेंट की जरूरत आपको होती है जब आप अपने ऑफिस में काम कर रहे होते हैं. एंड द रीजन इज दैट देयर इज अ नीड ऑफ स्पीडी, एक्यूरेट एंड एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिस वर्क. आज की डेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट दो एस्पेक्ट्स हैं वो एक्यूरेसी और स्पीड. स्पीड किस चीज की? स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन. कितनी तेजी से आप एक काम कर सकते हैं. हम लोग घर से बैठकर खाने का ऑर्डर देते हैं कभी जोमैटो या स्विगी पे या फिर मैकडोनल्ड्स को या फिर डोमिनोज को, तो हम लोग क्या देखते हैं कि कितनी जल्दी ये आ जाता है. डोमिनोज को देखिए, वो बोलते हैं 30 मिनट्स फ्रेश पिज्जा डिलीवर्ड. आई मीन इट इज नॉट अ वेरी गुड एग्जांपल टू शेयर, इट्स अ जंक फूड एग्जांपल, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि क्या कॉन्फिडेंस वो कंज्यूमर्स के अंदर भरते हैं कि स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन. देखिए, आपने ऑर्डर प्लेस किया, उसके 30 मिनट के अंदर हम आपके घर पर गर्म और बिल्कुल ताजा बना हुआ पिज्जा डिलीवर करेंगे. आपके अंदर एक डिलाइट आ रहा है. आप सोचिए डोमिनोज के बिजनेस ऑफिस के अंदर एनालिसिस, कितनी टेक्नोलॉजी, कितने लोग, कितने सिस्टम्स, रॉ मटेरियल, मशीनरी टू कुक पिज्जा, ये सब लगा होगा तब जाकर के वो उस स्पीड के साथ और उस और हर बार उस पिज्जा का टेस्ट आपको वही आना चाहिए. दिस इज एन आर्ट कि आपको पिज्जा का आपको ये इंटरेस्ट नहीं है कौन आदमी आपको डिलीवर करने आया, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता. डिब्बा भी बहुत ज्यादा आपको इंटरेस्ट नहीं करता. व्हाट इंटरेस्ट, व्हाट सूट्स योर रिक्वायरमेंट इज दैट व्हेन यू ईट पिज्जा और यू ईट एनी फूड आर्टिकल, इट हैज टू बी ऑफ द सेम टेस्ट दैट यू हैड प्रीवियसली, और इन फैक्ट इंप्रूव्ड टेस्ट, वो तो बहुत अच्छा है. दैट इज व्हाट इज स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन विथ क्वालिटी एंड एक्यूरेसी. एक्यूरेसी का मतलब वही चीज जो आपने मांगी है वो मिलनी चाहिए. पिज्जा ऑर्डर किया आपने
चीज वाला और विदाउट चीज वाला कुछ भेज दिया, कुछ खराब चीज भेज दी, आपने अनियन टॉपिंग मांगी उसने कुछ और टॉपिंग भेज दी, उसने कुछ और डाल के भेज दिया, तो आपने वेजिटेरियन पिज्जा मांगा उसने नॉन वेजिटेरियन पिज्जा भेज दिया। एक्यूरेसी इक्वली इंपॉर्टेंट, और एफिशिएंट, सही वक्त पर और सही तरीके से आप काम करें, दैट इज व्हाट इज एफिशिएंसी। नाउ लेट अस क्विकली सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस और नीड और व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हैविंग ऑफिस अप्लायंसेस। पहला हमने ऑलरेडी बात करी कि क्विक, स्पीडी, एक्यूरेट एंड एफिशिएंट इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिस वर्क एक्यूरेसी के साथ। रिड्यूसिंग लेबर कॉस्ट ड्यू टू मशीन्स, देखिए बहुत सारी मशीन्स ऐसी हैं जो आपकी लेबर कॉस्ट को कम करती हैं। जैसे पहले ऑफिसेज में क्या होता था, आई विल टेल यू वन वेरी सिंपल थिंग, कि आपको कोई पेपर फोटोकॉपी करना है, आपको कोई पेपर प्रिंट करना है, तो आप क्या करते थे, एक आदमी रखते थे जो फोटोकॉपियर को जानता है, जाता था फोटोकॉपियर के अंदर डालता था, खोलता था। अब फोटोकॉपियर्स मैकेनाइज्ड सोफिस्टिकेटेड फोटोकॉपियर, यू गो टू द फोटोकॉपियर, जो फोटोकॉपियर, आई एम टॉकिंग अबाउट बड़े फोटोकॉपियर्स जो ऑफिसेज में लगे होते हैं, नॉट अ सिंपल फोटोकॉपियर, उसकी जो स्क्रीन होती है बड़ी एक टच पैड टाइप की स्क्रीन होती है, उसमें आप अपना लॉग इन डालिए, वो पेपर डालिए, फोटोकॉपी निकल आएगी, प्रिंटआउट्स आप अपने टेबल से दे दीजिए और जा करके ले आइए, आपका लॉग इन होता है, उसमें सब कुछ होता है। सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर, मोनोटोनस परफॉर्मेंस में भी रिड्यूस्ड। देखिए इक्विपमेंट और मशीन्स और टेक्नोलॉजी के यूज से आपको बहुत सारी जो मोनोटनी है वो खत्म होती है, एक जैसा ऑफिस का काम आप कर ही चले जा रहे हैं। व्हेन यू आर एबल टू एक्सेस न्यू सॉफ्टवेयर, व्हेन यू आर एबल, फॉर एग्जांपल जैसे स्काइप है, हर ऑफिस के अंदर स्काइप दिया जाता है, हम कि हम एम्प्लॉइज से जिससे डायरेक्टली फोन करके बात नहीं कर सकते, एंड वी नीड टू डिस्कस सर्टेन थिंग्स एट द सेम टाइम व्हेन आई एम वर्किंग, तो मैं स्काइप की एक विंडो खोल लूंगा और उसमें छोटा सा एक चैट बॉक्स बना लूंगा और एक अपने एम्प्लॉय के साथ डिस्कस भी करता रहूंगा कि मैं काम कर रहा हूँ। सो व्हाट डू, लुक एट द मल्टीटास्किंग दैट इज हैपनिंग, लुक एट द इंटरेस्ट दैट यू आर क्रिएटिंग इन द एम्प्लॉय। ये फायदा है कि मोनोटोनस, एक जैसा काम करने से जो बोर्डम क्रिएट होता है, यू आर ट्राइंग टू रिड्यूस दैट बोर्डम बाय ब्रिंगिंग इन मल्टीपल टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस, मोर इन्फो कलेक्टेड इन लेस टाइम थ्रू दीज डिवाइसेस, थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी यू आर एबल टू कलेक्ट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एट द सेम टाइम। पहले आप टेलीफोन का मतलब ये होता था, आप घुमाएंगे एसटीडी फोन तो वो पहले पब्लिक एक्सचेंज में जाएगा, वो आपसे नंबर लेगा, टाइम बुक करेगा, फिर आप शाम को उस टाइम पे फोन करेंगे। नाउ व्हाट इज द सिचुएशन, यू डोंट इवन हैव टू कॉल, यू डू एन एसएमएस, यू डू अ व्हाट्सएप, यू सिटिंग ऑन अ कंप्यूटर, यू डू अ स्काइप चैट, चैट मैसेंजर से आपने हेलो बोला, बोला ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू डिड नॉट इवन राइट एन ईमेल, और वो इन्फॉर्मेशन आपको अगले सुबह आपके मेल बॉक्स में मिल गई। दैट इज द चेंज of collection of information and the utilization of time. Fraud may be reduced. Fraud bhi kafi technology aisi hai jisme fraud bhi aapke kam ho jate hain. PIN, password protected, login protected usages hote hain jo aapke apne hote hain, aur agar aapke passwords acche hain, pins aapke less detectable hain, to aapke frauds bhi bahut acche level par reduce hote hain. Work procedure may be standardized. Bahut sare organizations mein kaam karne ke tarike standardized ho gaye hain because ऑफिस अप्लायंसेज आ गए हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, आपने एक तरीका बना दिया। पहले अकाउंटिंग कैसे होती थी, बुक्स के अंदर होती थी, कॉपियां बनी होती थी, बड़ी बड़ी रजिस्टर्स बने होते थे, पेन से लिखा जाता था, गलतियां हो जाती थी, वाटनर लगाया जाता था, उसको ठीक किया जाता था, पन्ने के पन्ने पलट रहे हैं आप और इतने मोटे मोटे रिकॉर्ड्स बन जाते थे अकाउंटिंग के। व्हाट इज हैपनिंग टुडे, यू हैव डिसेंट टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस अवेलेबल फॉर अकाउंटिंग इन विच यू डोंट हैव टू पास अ जर्नल एंट्री using your pen and paper. आप सीधे ट्रांजेक्शन आया, इनवॉइस, आपने इनवॉइस स्कैन किया, वो कंप्यूटर में घुसा, कुछ तो स्कैनिंग से पढ़ लेते हैं और कुछ लोग जो हैं किसी और उससे सीधे इनवॉइस से सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री कर देते हैं और वहां से जर्नल एंट्री ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। वर्क प्रोसीजर को देखिए स्टैंडर्डाइज किस लेवल पर कर दिया गया है टेक्नोलॉजी के थ्रू। लेजर अपने आप बन जाता है, यू क्लिक अ बटन, वंस यू फिनिश दैट लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस से आपका ट्रेडिंग अकाउंट पॉपुलेट हो जाता है। नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो एंड चेक द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल। यहां तक कि कंप्यूटर में इतने इंटरनल कंट्रोल सॉफ्टवेयर में लगे हुए होते हैं कि अगर आप गलत टाइप की एंट्री पास करने की कोशिश करेंगे तो वो जैसे ही आप इनवॉइस उसका उसमें डालेंगे वो
एरर डिटेक्ट करता रहेगा, यू हैव टू क्लियर द एरर. इस तरीके के इंटरनल कंट्रोल्स लगते चले जा रहे हैं. दिस इज व्हाट इज अप्लायंसेस टेक्नोलॉजी, बिकॉज द यूज ऑफ पेन एंड पेपर हैज बीन मिनिमलाइज्ड, जरूरत ही नहीं पड़ रही है आपको. सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कंसिडर वाइल सेलेक्टिंग ऑफिस मशीन्स? क्या आपको चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि आप अपने ऑफिस के लिए कुछ खरीद रहे हैं? सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप किस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, आपका ऑफिस कितना बड़ा है, कितने एम्प्लॉयज उसमें काम करते हैं, किस नेचर ऑफ बिजनेस में आप इन्वॉल्व हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, एड्स टू ट्रेड है, वेयरहाउसिंग कर रहे हैं, थर्ड पार्टी एजेंट है आप, इंश्योरेंस एजेंट है या फिर इंश्योरेंस की कंपनी है, बहुत सारी चीजें, साइज पे पार्टनरशिप है, सिंगल ट्रेड है, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है सारी चीज. उसके अलावा जब आप अपने ऑफिस का साइज, अपने बिजनेस का ऑपरेशंस का साइज, उसका टर्नओवर, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ये सब ध्यान में रखते हुए आप अपने ऑफिस के लिए मशीन्स खरीदते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑफिस की रिक्वायरमेंट्स को लिस्ट डाउन करिए. डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ योर बिजनेस, ऑपरेशन ऑफ योर बिजनेस, नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड, एम्प्लॉइज, सप्लायर्स, एरिया ऑफ ऑपरेशन, वेदर यू आर अ लोकल, यू आर डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, मल्टीनेशनल लेवल, व्हाट टाइप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन यू आर. डिपेंडिंग ऑन दैट यू ऑल्सो सी व्हाट इज द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ मशीनरी. कितने रुपए की मशीन आ रही है, क्या जरूरी है ये मेरे लिए खरीदना, नहीं जरूरी है मेरे लिए खरीदना, राइट. सेविंग ऑफ टाइम एंड एनर्जी. कॉस्ट के साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली काम करे, उसके लिए टाइम एंड एनर्जी. बहुत छोटा बिजनेस है, सोल ट्रेडर है, सोल प्रोप्राइटर है, एक दुकान चलाता है, उसके लिए एक स्मार्टफोन इज कन्वीनियंट, सफिशिएंट. व्हाट्सएप होना चाहिए, अमेज़न की दो तीन एप्लीकेशंस होनी चाहिए, यू आर कनेक्टेड विद अमेज़न, दैट्स इनफ. आपके लोकल एरिया में डिलीवरी के लिए अमेज़न आपको ही ऑर्डर दे देगा, आपने उसको कनेक्ट कर दिया, आया आदमी, आपने पैक कर दिया, अकॉर्डिंगली भेज दिया. दैट इज वन टाइप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. एंड सेकंड टाइप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट यू हैव अ फैक्ट्री विच प्रोड्यूसेस सर्टेन स्पेसिफिक टाइप ऑफ गुड्स. फॉर एग्जांपल, बच्चों के खिलौने, बच्चों की किताबें, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न से लेकर के 4-5 साल तक के, इंटरेस्टिंग उनके लिए आप खिलौने बनाते. फैक्ट्री कनेक्टेड है तो आपको इंटरनेट चाहिए, कंप्यूटर्स चाहिए, मशीन्स चाहिए, पैकिंग एलिमेंट होना चाहिए, ब्रांडिंग एलिमेंट होना चाहिए, ये सारी चीजें. लाइफ ऑफ द मशीन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू बाय अ मशीन, यू शुड नो दैट व्हाट टेक्नोलॉजी इज इन्वॉल्व्ड इन इट, वो कितनी पुरानी है, कितनी नहीं है, और ये मशीन कितने साल चलेगी, मैं इसको अपग्रेड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ. एक कंप्यूटर ही इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, फोटोकॉपियर इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. कितने टाइम में इसका इस्तेमाल कर पाऊंगा, ऐसा तो नहीं है 6 महीने के बाद ये मशीन बेकार हो जाएगी और इसमें मैंने लाखों रुपए खर्च कर दिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिंपल इन ऑपरेशन, ऑपरेशन हमेशा सिंपल होना चाहिए, इजी यूज होना चाहिए, राइट. जो यूजर्स हैं उनको कोड मत दिखाइए सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर का आउटर दिखाइए, एप्लीकेशन दिखाइए, और आसान एप्लीकेशन हो, देखते ही उसका यूज करना आपके लिए आसान हो. जैसे आपके लिए जूम है या गूगल मीट है, उसको यूज करना कितना आसान है. जूम फिर भी एक बार को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, गूगल मीट देखिए, इट इज सो सिंपल टू ऑपरेट. क्वालिटी, कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए कि जो इक्विपमेंट या जो मशीन आप खरीद रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी आप हायर कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी हाईएस्ट लेवल की होना चाहिए. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, स्काइप, PPT, look at the quality, look at the material that is given to you. कितना साफ सुंदर, ये देखिए आपके सामने जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक मॉड्यूल है, PPT, PowerPoint presentation. Look at the quality, look at the flexibility, look at the operating cost. कई चीजें फ्री आती हैं आपके लैपटॉप, आपके कंप्यूटर या अपने फोन के साथ. आप आसानी से डॉक्यूमेंट्स, PDF फॉर example, मतलब Adobe करके एक कॉर्पोरेशन है, उसका सॉफ्टवेयर है PDF. फ्री ऑफ कॉस्ट, अवेलेबल टू एवरीबडी, डाउनलोड कर लीजिए और आपके फोन में सारी PDF फाइल्स खुल जाएंगे, इट बिकम सो इजी. ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी इक्विपमेंट को चलाना, उसे मेंटेन करना सालों, उसकी भी कॉस्ट होती है. कार मैंने खरीद ली, 5 साल में एक बार उसके टायर बदलेंगे, साल में 2 बार उसकी सर्विस होगी, 10 साल आपने गाड़ी चलानी, इंजन बदलेगा, बहुत सारी चीजें हैं. पेट्रोल डेली डलेगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट है,
क्या पेट्रोल के बिना आप कार चलाना इमेजिन कर सकते हैं, स्कूटर चलाना इमेजिन कर सकते हैं? नो. टायर के बिना स्कूटर चलाना इमेजिन कर सकते हैं? नो. ब्रेक, क्लच, उनकी क्वालिटी, वो सब आप सर्विस के थ्रू चेक कराते हैं. सर्विस होना साल में जरूरी है, 2-3 साल में एक बार टायर बदलना जरूरी है, इंजन बदलना 10 साल के बाद जरूरी है. ऑपरेटिंग कॉस्ट है, पोर्टेबिलिटी, कितनी आसानी से आप सिस्टम्स को एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं, टेक्नोलॉजी को चेंज कर सकते हैं, जगह बदल सकते हैं उसकी, शेयर कर सकते हैं उसको. पोर्टेबिलिटी, मोबिलिटी, मोबाइल फोन्स, एक एक आज की डेट में एक डेटा बैंक बन गया है. आप एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से जा सकते हैं उसे लेकर. बैंक ट्रांजेक्शन उसी फोन से कर सकते हैं, कैलकुलेशन उसी फोन से कर सकते हैं, फोन कॉल्स, व्हाट्सएप, डेटा स्टोर कर सकते हैं, पेपर्स अपलोड कर सकते हैं, पेपर्स चेक कर सकते हैं. मोबाइल फोन हैज बिकम टेक्नोलॉजी हाउस. अगर आप उसको ध्यान से देखिए तो न जाने क्या क्या है उसके अंदर. दिस इज वॉट इज दीज आर द फैक्टर्स, सम ऑफ द फैक्टर्स. पोर्टेबिलिटी, सर्विस, कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी मशीनरी आप खरीद के लाते हैं, उसकी सर्विस कितनी आसानी से आपको मिल जाती है, कितनी जल्दी आपके पास आदमी आ जाता है. इक्विपमेंट ऐसा तो नहीं है जिसको बार बार सर्विस कराना पड़ता हो. अगर कराना पड़ता है तो आदमी कितनी जल्दी आ जाता है, कितनी जल्दी उसके पार्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं. व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, मशीन, इक्विपमेंट ऑन द स्टाफ? स्टाफ उससे खुश है कि उससे नाराज है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. अगर स्टाफ नाराज है, उसको बहुत परेशानी होती है इस नई टेक्नोलॉजी की वजह से, तो हटा दीजिए उसको. बिकॉज दे आर द पीपल हु आर प्रोडक्टिव वर्कमैन, प्रोडक्टिव पर्सनल फॉर यू. अगर आप उनको नाराज कर देते हैं, खराब टेक्नोलॉजी ले आते हैं, खराब इक्विपमेंट ले आते हैं, जिसकी बार बार प्रिंटर फोटोकॉपियर खराब हो जाता है, ना प्रिंट करता है ना फोटोकॉपी करता है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हायरिंग दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी? फुलेस्ट यूज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब आप एक इक्विपमेंट लेके आए तो इंश्योर करें कि भैया वो पूरा यूज हो रहा है. बिकॉज देर इज अ फुल कॉस्ट बिहाइंड इट दैट हैज गॉन. आप खरीद के लाए हैं उसको, 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़ रुपए में आप कोई टेक्नोलॉजी खरीद के ले आए, आप इंश्योर तो करिए कि सारी चीज यूज हो रही है कि नहीं हो रही है. अगर नहीं हो रही है तो आपसे क्या गलती हुई है? स्टाइल एंड डिजाइन, आज की डेट में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि मारुति 800 अब कोई नहीं खरीदेगा. यंग जनरेशन मारुति 800 को हेरिटेज करके अपने घर के बाहर रख सकते हैं, बट अगर मारुति 800 एग्जैक्टली वैसे ही प्रोड्यूस करके उसी टेक्नोलॉजी की, उसी एज की बना करके आप पकड़ा देंगे, कोई नहीं खरीदेगा. क्यों? क्योंकि समय बदल गया है. कार्स देखिए, आज छोटे सेगमेंट की कार्स भी कितनी एरोडायनामिक टाइप की, शेप इतना अच्छा, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी, सिक्योरिटी इतनी अच्छी, मारुति 800 में क्या है? इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल कॉज. मारुति 800 वो घर के बाहर सजाने के लिए पुराना मॉडल अच्छा है, लेकिन आप उसी को नया मॉडल बना करके उसी को प्रोडक्शन शुरू कर देंगे वही फीचर्स के साथ, तो कौन खरीदेगा? अब एग्जाम्पल देता हूं मैं. पहले खिड़की ना ऐसे कार के अंदर गोल गोल घुमा के ऊपर की जाती थी. लोग अब ये तक नहीं दे, ये तक देखते हैं जाकर के कि भाई वो चारों की चारों जो विंडोज हैं कार की, वो ऑटोमेटिकली वो स्विच बटन से ही हो जाती है कि मेरे को अपने हाथ से करनी पड़ेगी, हाथ से करनी पड़ेगी साहब, मैं नहीं खरीदूंगा वो कार. बहुत कम लोग खरीदते हैं. दैट इज द लेवल ऑफ इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट हैज कम टू एवरी सेक्टर, एक नहीं. अब देखिए कि स्टाइल और डिजाइन क्या है, सप्लायर्स कौन है, नोन सप्लायर्स हैं, अच्छे सप्लायर्स हैं, कॉस्ट अच्छी देते हैं, या पता नहीं इनके बारे में कुछ पता नहीं है. स्टैंडर्डाइजेशन, ऑब्वियसली जो कोई मशीन आप खरीदते हैं वो ऐसी मशीन होनी चाहिए जो ऑफिस के बाकी इक्विपमेंट्स के साथ लाइन में आ जाए, कनेक्ट हो जाए. आप खरीद लाए प्रिंटर एचपी का, आपके ऑफिस में मान लीजिए लोगों के डेस्कटॉप्स, कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स लगे हैं, अब वो प्रिंटर कॉपियर जो मल्टी फंक्शन डिवाइस MFD कहते हैं, वो कह रहा है कि साहब मैं तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम ही नहीं कर सकता, मैं इन कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट ही नहीं हो सकता, बिकॉज आई नीड कि आप HP के कंप्यूटर खरीद के लाए. व्हाट इज द यूज ऑफ सच अ डिवाइस? तो ये फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखते हुए अपने ऑफिस के एनवायरमेंट को, अपने बिजनेस के साइज को, मशीन के कॉस्ट, टाइम, एनर्जी, इन सबको देखते हुए आपको मशीन सिलेक्ट करनी चाहिए अपने ऑफिस के लिए. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स? आई थिंक एवरीथिंग, मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी नो. टेलीफोन, नो नीड टू मेंशन. डिक्टाफोन्स, दीज हैव बीन क्लोज, देयर इज नो फोन. डिक्टेशन फोन होता था वो पुराने जमाने में, जो स्टेनोग्राफर्स होते थे वो डिक्टाफोन और स्टेनोग्राफिक मशीन्स और डुप्लीकेटिंग मशीन्स यूज करते थे कि भाई वो बॉस या ऑफिसर जो है वो उसको ऑन करके और अपनी इंस्ट्रक्शंस दे देता था या डिक्टेशन दे देता था,
उसको दोबारा से चला करके स्टेनोग्राफर जो है वो उसका और लेटर वगैरह या ऑर्डर वगैरह टाइप करके उससे साइन करा के और उसको इश्यू कर देता था. तो दीज, अब तो इनकी जरूरत ही नहीं है. यू हैव योर फोन एंड आई डोंट नो व्हाट नॉट. अब तो स्टेनोग्राफर का रोल भी चेंज हो गया है, कंप्यूटर ऑपरेटर का ऑफिस असिस्टेंट हो गया है. तो ये आइसोफोन डुप्लीकेटिंग मशीन, स्टेनोग्राफिक मशीन खत्म हो चुकी है लगभग. Photocopying machines are still there, accounting machines are still there, calculating machines are still there. You are aware of all these things. Typewriters हट चुके हैं, electric typewriter से लेकर सब कुछ ये हट चुके हैं. Let us not talk about that. कहीं use नहीं होते हैं, बहुत ही मुझे नहीं पता किसी संस्थान के अंदर मैंने नहीं देखा कि ये use होते हैं. Tabulating machines, तो table बनाने के लिए machines use होती हैं, अभी भी कई जगहों पर use होती हैं. Billing machines, आप लोगों ने पॉइंट ऑफ सेल प्रिंटर्स देखे होंगे, ये सब भी कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी हो गई है. टैब्यूलेटिंग मशीन्स आर एसोसिएटेड विद कंप्यूटर्स, यू डोंट हैव टू बाय अ सेपरेट टैब्यूलेटिंग मशीन. आती नहीं है अब टैब्यूलेटिंग मशीन, आपके कंप्यूटर के अंदर टैब्यूलेटिंग फीचर है, मोबाइल के अंदर टैब्यूलेटिंग फीचर है. बिलिंग आप मोबाइल से रन कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर से रन कर सकते हैं. पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगी हुई है, एक सॉफ्टवेयर है, आपने फटाफट उसके अंदर कोडेड होता है सारा. आप दुकान में जाइए किसी अच्छी दुकान में, उसमें कोडेड होता है, आपका प्रोडक्ट देखेगा, स्कैन करेगा, वो अपने आप रीड करता जाएगा सॉफ्टवेयर, और उसके अंदर पूरी लिस्ट बन जाएगी, वो केवल प्रिंट मारेगा और एक पूरी की पूरी बिलिंग निकल आएगी. सो दैट इज बिलिंग मशीन. कैश रजिस्टर, सब लोगों को पता है कैश रजिस्टर्स आर ऑल्सो ऑनलाइन नाउ. जितने दिन भर में कैश ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो सॉफ्टवेयर अपने आप रीड करता चला जाता है, अपने आप एक कैश रजिस्टर बना देता है. कॉइन्स हैंडलिंग मशीन, ये बैंक में होती है काफी, आप लोगों ने देखी होंगी कॉइन्स हैंडलिंग. पता नहीं, आई डोंट नो वेदर यू हैव गॉन टू अ बैंक और नॉट, बट वहां पर एक कॉइन्स हैंडलिंग मशीन होती है जो सारे कॉइन्स को एक जगह पे इकट्ठा करके रखती है, एक टाइप के कॉइन्स को सेपरेट आउट कर देती है, और ये होती है टाइम रिकॉर्डिंग मशीन. इसको टाइम रिकॉर्डिंग मशीन की बजाय हम लोग बोलेंगे कि जो ऑफिस के अंदर अब होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कई पेरेंट्स जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं, उन लोगों के पास ऑफिस के आईडी कार्ड्स होते हैं, उस आईडी कार्ड्स के पीछे कार्ड रीडर लगा हुआ होता है, कभी आप लोग देखिएगा. और आपके जो स्कूल का भी कार्ड है वो भी एक आईडी कार्ड है एक तरीके का, उसके पीछे ऑफिस के अंदर जो है जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए एक रिकॉर्डर कार्ड रीडर लगाया जाता है. तो जब वो ऑफिस पहुंचते हैं तो कई जगहों पे आपने देखा होगा कि एक ब्लैक कलर का डिवाइस सा लगा होता है, लाल सा बटन होता है उसके ऊपर, उसको जैसे ही वो प्रेस करते हैं वो बटन ग्रीन हो जाता है और उसके बाद वो गेट खुल जाता है एंड यू गो इनसाइड द ऑफिस. दैट इज वन वे ऑफ टेक्नोलॉजी जिसमें आप ये टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि आदमी कब आया. वैसे ही बाहर निकलने के वक्त भी अंदर के दरवाजे के ऊपर वो ब्लैक कार्ड रीडर लगा होता है, पंच रीडर लगा होता है, आप उस पर वापस अपना आईडी कार्ड पंच करते हैं, बेसिकली द कार्ड रीडर, और उसके बाद आप बाहर निकलते हैं, दरवाजा खुलता है. तो जितनी बार आप अंदर बाहर जा रहे हैं इट रिकॉर्ड्स द टाइम. पहले क्या होता था, एक बड़ी सी अलमारी होती थी जिसमें कार्ड्स होते थे, तो आप उसमें जाते थे जब ऑफिस के अंदर, उस अलमारी से उस कार्ड को निकाल के, एक टाइपराइटर टाइप डिवाइस होता था जिसके अंदर डालो तो वो ठक करके टाइम छापता था और वापस आप कार्ड अपनी अलमारी में डालकर अंदर चले जाते थे. सो दैट वाज टाइम इन एंड टाइम आउट के वक्त आप वापस करते थे, सैलरीज वर पेड अकॉर्डिंगली, बट नाउ देयर इज नो नीड फॉर दैट. तो टेक्नोलॉजी हैज रिप्लेस्ड दैट काइंड ऑफ एन एनवायरमेंट. एंड अब तो बायोमेट्रिक हो गए हैं सरकारी ऑफिस में, कई जगहों पर बायोमेट्रिक है, आपके पास केवल आईडी कार्ड है. आप जब जाएंगे तो वहां पर एक छोटा सा ट्रांसपेरेंट सा डिवाइस लगा होगा जिसमें एक लाल रंग का छोटा सा एक अंगूठा लगाने की जगह होगी, आप जैसे ही उस पर अंगूठा लगाएंगे वो रीड करेगा आपका अंगूठा, विद इन अ फ्यू सेकेंड्स वो उसको ग्रीन कर देगा, दरवाजा खुल जाएगा, आपकी अटेंडेंस भी लग गई, एवरीथिंग हैज बीन डन. सो दैट इज व्हाट इज बायोमेट्रिक. सो दिस इज व्हाट इज टाइम रिकॉर्डिंग मशीन. चेक राइटिंग मशीन, बहुत सारे बैंक्स जो काम करते हैं उनके पास चेक राइटिंग के लिए मशीन होती है. जैसे आप लोग कभी ड्राफ्ट ऑर्डर करिए, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में भी चेक प्रिंट होते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में भी चेक प्रिंट होते हैं. सो दे हैव केप्ट अ चेक प्रिंटिंग मशीन, बट दैट चेक प्रिंटिंग मशीन इज कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर. तो अब वो चेक प्रिंटिंग मशीन मत बोलिए, उसे चेक प्रिंटर बोलिए. और नॉर्मल प्रिंटर के अंदर ही वो फीचर अब इनेबल हो गया है, जो मल्टी फंक्शन डिवाइस होते हैं जिसमें फोटोकॉपियर भी होता है, प्रिंटर भी होता है, डुप्लीकेटर भी होता है, एंड वॉट नॉट, आई डोंट, स्कैनर भी होता है, बहुत सारी चीजें आप उसमें कर सकते हैं. तो वो जो ईमेल भी भेज सकते हैं यूजिंग दैट पर्टिकुलर डिवाइस, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ मल्टी फंक्शन डिवाइस. तो उसमें क्या होता है कि आप यहाँ पर अपने चेक के फॉर्मेट पर नाम वाम लिख दीजिए, वहां पर चेक रख दीजिए प्रिंटर के अंदर, और यहाँ से क्लिक मारिए फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास, ये चेक प्रिंटिंग वो होता है प्रिंटर, और
आराम से उसमें से चेक प्रिंट होकर निकलता है, गलती की चांसेस कम हो जाती है, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है और बैंक के लिए बहुत आसान हो जाता है उसको रीड करना समझना हाथ से लिखने की बजाय, एंड यू रिड्यूस अ लॉट ऑफ यू नो लेबर टाइम एनर्जी इन यू नो राइटिंग चेक्स, बिकॉज आप डेली बेसिस पर बड़े ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट लाखों चेक्स बनाती है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ वेस्टिंग टाइम बाय राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, नो नीड टू मेंशन अबाउट इट. फैक्स लेस इन यूसेज बट फैक्स आप लोगों को पता है कि एक ऐसी मशीन होती है जो लेटर्स को बिल्कुल ट्रांसपोर्ट करती है, ट्रांसमिट करती है एट द सेम टाइम. यहाँ पे मान लीजिए कोई ऑर्डर आया है, मैं लखनऊ में बैठा हूँ, मुझे दिल्ली में वो लेटर अभी के अभी डिलीवर करना है, तो वो किसी चीज से नहीं जा सकता. आप तो ईमेल करते हैं लोग, फटाफट फोटो खींची ईमेल कर दिया, फटाफट फोटो खींची व्हाट्सएप कर दिया. तो पहले क्या होता था, फैक्स मशीन अभी भी कई ऑफिस में है और वो तरीका भी कई ऑफिस का रूल ये है कि फैक्स से आया वो ऑर्डर ही हम ऑर्डर मानेंगे, व्हाट्सएप से हम ऑर्डर नहीं मानेंगे. तो क्या करते हैं कि उधर वाली फैक्स मशीन ऑन होनी चाहिए, उसमें पेपर लगा होना चाहिए, यहाँ से उस पेपर को अपनी फैक्स मशीन में डालो, नंबर एंटर करो दूसरी फैक्स मशीन का, एंटर मार दो, यहाँ से वो पूरा फैक्स रीड करेगी, ट्रांसफर होगा इन्फॉर्मेशन इनटू द अदर फैक्स मशीन, वहां पे वो फैक्स उसको रीड करेगा और धीरे धीरे करके वो वाला पेपर वहां पर वो एक तरीके से छापते हुए बाहर निकाल देगा. दैट इज व्हाट इज फैक्स मशीन. बट नाउ फैक्स मशीन इज नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप तो रियल टाइम बेसिस पे यू कैन डू एन ईमेल, यू कैन डू व्हाटएवर इट इज, खड़े खड़े आपने जैसे ही डॉक्यूमेंट प्रिंट किया वहीं पर ईमेल का ऑप्शन होता है मल्टी फंक्शन डिवाइसेज में, ऑफिसेज में. सो देयर इज नो बाइंडिंग मशीन, ये भी जरूरत होती है कई बार आप लीगल पेपर्स डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो एक बाइंडिंग मशीन अपने पास रखते हैं, पेपर्स प्रिंट करने के बाद उसको बाइंड कर लेते हैं. सो इट्स अ वेरी सिंपल ऑफिस मशीन. मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स, तो ये मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है, दिस इज एन ऑफिस कंप्यूटर एंड नेटवर्क बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम दैट सपोर्ट्स डिसीजन मेकिंग एंड फीडबैक ऑन डेली ऑपरेशंस. सो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर्स के थ्रू आप ऑपरेट करते हैं, ऑटोमेटिक यू नो सिस्टम्स के थ्रू, जिसके अंदर डेटा भी होता है, इन्फॉर्मेशन भी होती है, नॉलेज भी होती है. मैं आप लोगों को एक फर्क बता देता हूँ, व्हाट इज अ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम. डेटा को इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना और उसके बाद उसको नॉलेज में कन्वर्ट करना. तो ये मैंने आप लोगों को शायद पहले भी बताया था, आई वुड जस्ट रिवाइज इट, दैट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली प्रोसेसेस डेटा एंड कन्वर्ट्स दैट डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन एंड मेक्स इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग. तो डेटा ये है कि 10 दिन की सेल 1 करोड़ रुपए, ये डेटा है. मैं क्या करूं इस डेटा का, कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं. मैं ये बताऊं कि पहले 10 दिन 1.5 करोड़ की सेल हुई, दूसरे 10 दिन 1 करोड़ की, तीसरे 10 दिन 2 करोड़ की. अब ये नॉलेज बन गई, ओ ऐसा क्या हुआ कि पहले में 1.5 करोड़ हुई और बीच में 1 करोड़ ही हुई, अब फिर 2 करोड़ हो गई, क्यों 1 करोड़ हुई, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट. अगेन मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम विल प्रोवाइड यू द रीजंस बिहाइंड व्हाट हैपेंड, रूट कॉज एनालिसिस, क्या समस्याएं हुई कि 1 करोड़ हो गई, लोग नहीं खरीद रहे थे, लॉकडाउन लग गया है, व्हाटएवर इट इज, वो इन्फॉर्मेशन भी आपको मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम पे मिलती है. सिस्टम क्या है, सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर दैट कनेक्ट्स डिफरेंट सबसिस्टम्स इनटू वन एंड आउटपुट ऑफ वन सबसिस्टम इज यूज्ड बाय अनदर सबसिस्टम टू प्रोड्यूस अनदर आउटपुट. इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ सबसिस्टम्स विच आर टिपिकली ऑर्गेनाइज्ड अलोंग विद फंक्शनल लाइंस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन वाया अ नेटवर्क, वाया a computer based software system via the sophisticated techniques of connection of computers, organizations, suppliers, customers, etc. Amazon ka app dekhiye, it's a beautiful example of management information system, beautiful example. Ab aap log to as a consumer usko dekh rahe hain ki wo ek tarike ki information aur knowledge aap logon ko de raha hai, wo niche stars deta hai, comparison deta hai, ye product aap khareed rahe hain iske jaise aur products ye hain, उसके नीचे लगा होता है रेटिंग 4.1, 4.5, 4.6, कभी देखिए डिटेल में जाकर के. उसके नीचे वो ये भी बता रहा होता है पीपल हु बॉट दिस प्रोडक्ट आर आल्सो बाइंग दिस, वो ये भी बता रहा होता है अगर आप इसके साथ ये खरीदना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शंस देता है. मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है ये, आपको डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प कर रहा है सिस्टम. अब आप सोचिए आपका व्यू ऐसा है तो जो सप्लायर्स हैं जो आपको सामान आपके घर तक पहुंचाते हैं, जिनके पास एक्चुअली वो सामान बनता है, अवेलेबल है, ट्रेडर्स है, उनके पास कैसा व्यू होगा, प्रोड्यूसर्स फैक्ट्रीज के पास कैसा व्यू होगा, Amazon के पास तो कैसा ही व्यू होगा, उसके पास तो आपकी भी इंफॉर्मेशन है, आपको जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो भी वही लोग प्रोड्यूस करते हैं, सप्लायर्स को भी उन्होंने ही प्रोड्यूस करना है, ई कार्ट जो लोग डिलीवर करते हैं, वेयर हाउसेस वो भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास तो क्या सिस्टम होगा, क्या
क्या ब्यूटी है उस प्रेजेंटेशन की। देखिए डेटा डालना, एक टेबल बनाकर मैं डेटा डाल दूं इज वन, बट द वे द डेटा इज मेड, इंफॉर्मेशन, यूजफुलनेस ऑफ दैट डेटा, और उसके बाद उस डेटा को नॉलेज बना पाना और मेरी आंखों के सामने रख पाना इज द ब्यूटी ऑफ अमेज़न। मैं इसलिए बार बार आप लोगों को अमेज़न का उदाहरण देता हूं क्योंकि देखिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑफिसेस, ऐसे एप्लीकेशंस, ऐसे प्लेटफॉर्म्स, ऐसे सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करता है, बहुत सोफिस्टिकेटेड प्लेटफॉर्म्स का यूज करता है ताकि बहुत एफिशिएंटली काम करने में आसानी हो। बहुत सारे लोग, बहुत सारा वेयर हाउस, डेटाबेसेस, सॉफ्टवेयर एनालिस्ट्स, मैनेजर्स लगे होते हैं इस सारे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को अपडेट करने में, ताकि सही इंफॉर्मेशन सही टाइम पे सही आदमी को मिले ताकि वो सही डिसीजन ले सके। वेदर ही इज अ कंज्यूमर, कस्टमर, ट्रेडर, रिटेलर, होलसेलर, फैक्ट्री ओनर, प्रोड्यूसर और Amazon itself, मतलब मैं Amazon के एग्जांपल के बारे में बोल रहा हूँ, इन सबको सही इंफॉर्मेशन मिले सही टाइम पर विद सही जानकारी। What are the components of MIS? ये मैंने आप लोगों को समझाया था। रिसोर्सेस, जो लोग काम करते हैं, चाहे वो एंड यूजर्स हों, चाहे वो इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट हों, सिस्टम एनालिस्ट हों, प्रोग्रामर्स हों, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर्स हों, सिक्योरिटी मैनेजर्स हों, ये सब लोग लोगों की कैटेगरी में आते हैं जो MIS चलाते, बनाते, एडमिनिस्ट्रेट करते, मैनेज करते, ओपन करते, क्लोज करते हैं। हार्डवेयर, बहुत सारा हार्डवेयर इसके अंदर लगता है, जैसे फिजिकल कंप्यूटर इक्विपमेंट्स, नेटवर्क डिवाइसेस, एसोसिएटेड डिवाइसेस, मीडिया, रैक्स, सर्वर्स, सॉफ्टवेयर जैसे प्रोग्राम्स, प्रोसीजर्स, सॉफ्टवेयर के अंदर कोडिंग होती है, कोडिंग का प्रोग्राम, उसको प्रोग्राम बोला जाता है, और प्रोग्राम के अंदर प्रोसीजर्स होते हैं हाउ टू प्रोसीड विद अ कोड, डेटा नॉलेज और डेटा बैंक्स, डेटा वेयर हाउसेस, डेटा बेसिस, ये सारी चीजें, नेटवर्क्स, क्लाउड के बारे में भी हम बात करेंगे। नेटवर्क्स कैसे एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से बात करेगा, ये नेटवर्क डिसाइड करता है, दो कंप्यूटर एक दूसरे से कैसे कोलैबोरेट करेंगे, 10 कंप्यूटर, 100 कंप्यूटर, एक Amazon की एप्लीकेशन हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों के डाउनलोड के लिए अवेलेबल है, कैसे कम्युनिकेट करेगी, एक एंड यूजर दूसरे एंड यूजर का रिजल्ट कैसे देख सकता है, एंड यूजर यानी मैं कंज्यूमर कैसे देख सकता है कौन सी फैक्ट्री क्या बना रही है, कौन आदमी ये प्रोडक्ट बेच रहा है Amazon पर, इसका दाम कितना है, इसके कंपैटिबल प्रोडक्ट्स, कंपेरेबल प्रोडक्ट्स और कितने हैं, उनके प्राइजेस क्या हैं, वो अवेलेबल हैं कि नहीं, मेरे एरिया में डिलीवर हो रहे हैं कि नहीं। मैं सिर्फ एक अपनी तरफ से बात कर रहा हूं, बट ये सब कनेक्टेड है, सप्लायर्स कनेक्टेड हैं रियल टाइम, वो अपडेट करते चले जा रहे हैं, Amazon अपडेट करता चला जा रहा है, मैं इंफॉर्मेशन लेता चला जा रहा हूं, मैं ऑर्डर प्लेस करता चला जा रहा हूं और चीज आगे बढ़ती चली जा रही है। सो लुक एट द कंपोनेंट्स ऑफ, सो देयर आर पीपल इन्वॉल्वड, हार्डवेयर इन्वॉल्वड, सॉफ्टवेयर इन्वॉल्वड, डेटा इन्वॉल्वड, नेटवर्क इन्वॉल्वड। आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट अ फ्यू मोर वेरी गुड थिंग्स जस्ट अ मिनट, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करता हूँ कि वो कितने इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स है। ये आप देखिए ध्यान से, बेस्ट बिजनेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स टू फ्यूचर प्रूफ योर बिजनेस, क्या क्या वो बेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं जो आपकी बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, तो कुछ कुछ देखिए आप कि क्या होते हैं। व्हाट आर बिजनेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स टुडे, आज क्या है बिजनेस कम्युनिकेशन सिस्टम, आर द प्रोसेसेस बोथ इनफॉर्मल एंड फॉर्मल, सबसे पहले तो दोनों तरीके से फॉर्मल और इनफॉर्मल business communication system by which information is passed between the employers and employees within a business or between the business itself and the outsiders, consumer, supplier, factories, production houses, etc. to formal informal dono tarike ka business communication ek dusre ke sath ho raha ho, chahe wo employee aur organization employer ke beech mein ho raha ho ya fir organization aur outsiders ke beech mein ho raha ho. कुछ फैक्ट्स बताए हैं इसने, एक एक रिपोर्ट आती है विल्सन क्वार्टरली करके, उस क्वार्टरली रिपोर्ट में द विल्सन ने बताया कि PSTN जो एक फोन नेटवर्क होता है, आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स, 85% कॉल वो PSTN लेता है, व्हाइल दिस चेंज इज इन द कमिंग इयर्स एज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम।
more popular, the public switched telephone networks served to prevalent landline-based personal and business telephone communications. तो देखिए कितनी तेजी से टेलीफोन से हम मोबाइल पे चले गए, मोबाइल से हम वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल पे चले गए. PSTN जो है एक तरीके का फोन नेटवर्क है. ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग हैज बीन अराउंड सिंस 60s, बड़े देशों में 60 से थी, हमारे देश में 90 से थी. कॉल वेटिंग सिंस 80s, कॉल वेटिंग भी अब हम लोगों के सबके फोन में आ गए हैं. दीज टू फीचर्स आर नाउ स्टेपल्स ऑफ एनी गुड बिजनेस टेलीफोन सिस्टम. ये किसी भी अच्छे बिजनेस कम्युनिकेशन सिस्टम का हिस्सा है, कॉल वेटिंग और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग. लेकिन इतना पुराना होने के बावजूद ना कॉल वेटिंग इनफेक्टिव हुआ है और ना ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग. बस जो चेंज हुआ है वो इसके बैकग्राउंड में हुआ है. इसके बैकग्राउंड में चेंज ये हो गया कि पहले ये तार बेस्ड, सर्वर बेस्ड, रैक बेस्ड होते थे. अब इनकी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, इनको डिजिटाइज कर दिया गया है कम्युनिकेशन के लिए, और इनके सर्वर्स जो है वो क्लाउड पे चले गए. दैट्स द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी दैट हैज चेंज्ड. क्या क्या है जो आज की डेट में आपके बिजनेस को हेल्प कर सकते हैं? क्लाउड बेस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क्स. पहले क्या होता था कि सर्वर फिजिकली कहीं पर आप हैंग करके एक सर्वर रखते थे रैक्स में, बड़े 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 डेटा वेयर हाउसेज में. अब वो क्लाउड में कन्वर्ट हो गए हैं, फ्लेक्सिबल हो गए हैं. आपको चाहिए या नहीं चाहिए का ऑप्शन आ गया है, पहले ऐसा नहीं होता था. वेब RTC टू वेब, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. ये जो आप अपने मोबाइल में एप्लीकेशंस देखते हैं, ज्यादातर एप्लीकेशंस इंटरनेट ऑफ थिंग्स कॉन्सेप्ट है. कोलैबोरेटिव कम्युनिकेशन, एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ करके हम कम्युनिकेट करें. मैंने अमेज़न का बार बार मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं, बहुत क्लोज है हम लोगों की लाइफ से. आप लोगों के पास नहीं है तो अमेज़न की एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, देखिए अपने स्मार्टफोन के अंदर कि वो किस तरह से दिखती है, ऑपरेट करती है, कितनी इंफॉर्मेशन है. कोलैबोरेटिव कम्युनिकेशन का एग्जांपल. सिस्टम क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब क्लाउड बेस्ड मॉडल्स, क्लाउड बेस्ड गवर्नेंस और क्लाउड बेस्ड डेटा स्टोरेज प्रोवाइड किया जा रहा है आपको, ताकि आप पुरानी इंफॉर्मेशन जो आज मैं आप लोगों को जूम पे पढ़ा रहा हूँ, ये जो मैं कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये जूम के बैकग्राउंड में मेरी वेबसाइट पर स्टोर हो जाती है क्लाउड में. उसके बाद मैं उसको डिलीट कर दूंगा तो क्लाउड से वहां से हट जाएगी, सर्वर से वो इंफॉर्मेशन हट जाएगी, सर्वर का स्पेस फ्री हो जाएगा. दैट इज द ब्यूटी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. मोबिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह, मैं कहीं और जाकर के जूम अकाउंट खोलूंगा, वो सेम इन्फॉर्मेशन मेरी मेरे को मिल जाएगी, मेरी रिकॉर्डिंग मेरे को मिल जाएंगी, मेरी क्लासेस मेरे को मिल जाएंगी, कहीं से भी अक्रॉस द ग्लोब मैं उसको यूज कर सकता हूँ. तो ये सारी चीजें जो हैं आप एक बार देखने की कोशिश करिए. क्लाउड बेस्ड IT, वेब RTC, रियल टाइम कम्युनिकेशन लेबल्स, रियल टाइम कम्युनिकेशन बिटवीन वेब ब्राउजर्स एंड मोबाइल एप्लीकेशन. अगेन फ्लिपकार्ट की मोबाइल एप्लीकेशन, स्विगी की, जोमैटो की, अमेजोन की, जूम की, वेब RTC का बेहतरीन एग्जाम्पल. इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आप सोचिए एप्लीकेशंस, क्लाउड सर्विसेज, डेटाबेसेस रियल टाइम पर एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं ओवर द इंटरनेट. तो ये एक नया कॉन्सेप्ट बन गया है कि कैसे आप एक दूसरे से कनेक्टेड है ओवर इंटरनेट. तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, थिंग्स ओवर द इंटरनेट हैज बिकम द न्यू कॉन्सेप्ट. पहले ऐसा होता था टेलीफोन लाइन वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द प्रीवियस वर्ल्ड 20 साल पहले. आज इंटरनेट हैज रिप्लेस्ड एवरीथिंग एल्स. इंटरनेट नहीं है तो यू आर नॉट कनेक्टेड. सरकारी योजनाएं इंटरनेट पर लॉन्च हो रही हैं, सरकारी एप्स लॉन्च हो रहे हैं, एप्स के अंदर आप रजिस्टर करिए एंड व्हाट नॉट. पैसे आपको बैंकिंग के थ्रू आ रहे हैं, बैंक अकाउंट में सीधे आ रहे हैं. हाउ? ओनली वाया इंटरनेट. सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो चीजें आप इंटरनेट पे करते हैं. क्या चीजें आप इंटरनेट पे करते हैं? 95% ऑफ योर डे टुडे इज स्पेंट ओवर इंटरनेट. हाथ से लिखा एक पेपर के ऊपर फोटो खींची, इंटरनेट पे डाल दिया. गूगल क्लासरूम क्या है? क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग है, क्लाउड बेस्ड. आपका डेटा क्लाउड में स्टोर है, मैं जब चाहूं उसे डिलीट कर दूं, क्लाउड का स्पेस फ्री कर दूं. क्लाउड क्या है? हवा में घूमता फिरता एक बादल की तरह से स्टोरेज स्पेस, जो हार्डवेयर होता था उसको उन्होंने सॉफ्टवेयर की तरह से बना दिया है. पहले डेटा स्टोर जो होता था वो एक रैक स्पेस में होता था, पूरा फिजिकल डिवाइस होता था जिसको सर्वर बोला जाता था. उस सर्वर को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है क्लाउड में, सेमी हार्डवेयर बना दिया है उसको. दिस इज व्हाट इज क्लाउड. कोलैबोरेटिव कम्युनिकेशन, आई थिंक वी हैव टॉक्ड अबाउट कोलैबोरेटिव कम्युनिकेशन. ये कुछ एग्जांपल्स में आप क्लाउड कंप्यूटिंग, नो नीड टू गो इनटू द डिटेल्स, आई हैव टोल्ड यू कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है. मोबिलिटी,
नो नीड टू डिस्कस, मैंने बता दिया आपको, लैपटॉप, पीसी, स्मार्टफोन्स, यू कैन कैरी देम अक्रॉस द ग्लोब, कहीं पर भी जाकर के किसी भी स्मार्टफोन से आप लॉग इन करके अपना डिटेल्स डालकर देखिए, वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी. दैट इज व्हाट इज मोबिलिटी. क्या स्मार्ट बिजनेस कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस है? इंस्टेंट कोऑर्डिनेटेड कम्युनिकेशन, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, ओपन आर्किटेक्चर फॉर मीडिया स्ट्रीमिंग, राइट, फुल्ली इंटीग्रेटेड विजुअल अलर्टिंग, ऑडिबल ऑल्टरिंग सिस्टम्स इवन इन लाउड एनवायरमेंट्स, कम्युनिकेशंस इनेबल्ड डूअर कंट्रोल्स. आप देखिए कितना, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कई जगहों पर बहुत सोफिस्टिकेटेड, आई डोंट नो बट आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग, कई लोगों की आंखों से कंप्यूटर खुलता है, कई लोगों का मुंह देख के कंप्यूटर खुलता है. फोन्स आज की डेट में देखिए, आप अपने मुंह के सामने रखेंगे अपने आप अनलॉक हो जाएगा, कोई दूसरा उसको यूज करने की कोशिश करेगा वो खुलेगा ही नहीं. दैट इज व्हाट इज कम्युनिकेशन इनेबल्ड डोर कंट्रोल. मैं एक वर्ड बोलूंगा, उस वर्ड के बेस पर वो खुलेगा, मेरी आवाज से और उस वर्ड से वो खुलेगा. आपके लिए अवेलेबल है ये टेक्नोलॉजी, अब धीरे धीरे करके सबके पास आ गई है ये. दिस इज व्हाट इज यू नो द कम्युनिकेशन सिस्टम. The key to effective, efficient business communication is connectivity with convergence of systems. Convergence of systems का मतलब systems को एक जगह पर ले आना, not physically, but एक दूसरे के साथ ऐसा collaborate करना कि आप कोई भी system किसी भी जगह से बैठकर आसानी से access कर सको, दुनिया के किसी भी corner से. Mobility, connectivity. So this is all about business communication that we have talked about. Devices that talk about business communication, office appliances based on the technology and business communication. मैंने इसके बारे में आपको पूरी डिटेल्स बता दी हैं. अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. गूगल क्लासरूम पर आप उस क्वेश्चन को पोस्ट कर दीजिए, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा. या आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, प्लीज स्टार्ट सबमिटिंग योर लास्ट टू DHAs. थैंक यू.